हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो जो सीरीज चल रही है 1000 प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज जो है, इसमें आईआईटी जैम 2024 के लिए हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। सब्जेक्ट जो अभी कवर हम लोग कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, या आप कह सकते हैं EMT। और इसके अंदर भी आज ये लेक्चर नंबर है 3rd, जिसमें हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गाउस लॉ के क्वेश्चंस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गाउस लॉ के ऊपर काफ़ी सारे ढेर सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, आईआईटी जैम एग्ज़ाम हो चाहे वो CUET PG एग्ज़ाम हो, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर करीबन 3 लेक्चर तक हम लेंगे, जिसके अंदर हम बहुत सारे वैरायटी वाले क्वेश्चंस करेंगे। तो जो भी लोग आईआईटी जैम फिजिक्स से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से, वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, सो दैट आपको ये जो लेक्चर्स है इनकी सबसे पहले आपको अपडेट पहुंचे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोगों को शो हो रहा है स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें बोला है कि फाइंड द रो। रो का मतलब है कि हमें यहाँ पर बोला गया है कि हमें निकालने को बोला गया है, चार्ज डेंसिटी निकालने को बोला गया है। चार्ज डेंसिटी भी कौन सी है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। रो का मतलब है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमें निकालने। तो इसके लिए हम गाउस का डिफरेंशियल लॉ यूज़ करेंगे। गाउस का जो डिफरेंशियल लॉ है वो क्या कहता है? डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो डाइवर्जेंस का मतलब क्या है कि मैंने इसको ऐसा लिख दिया, अगर ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिखे हैं तो मैंने इसको ऐसा लिख दिया dA अपॉन dx, और यहाँ पर लिख दिया मैंने ex, ठीक है, प्लस ये क्या बनेगा d अपॉन dy, यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने ey, इसको क्या लिख दिया मैंने d अपॉन dz, यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने ez, और ये rho ओवर epsilon, करेक्ट। तो उसके बाद ex पे कौन सा है 2x, तो इसका मेरे को क्या कर देना है, इसका मेरे को कर देना है डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये बनेगा कितना 2 बनेगा, i डॉट i होगा ना, कई बच्चों को ये लगेगा, यहाँ पर ऐसा ये डॉट प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर आएगा आई डॉट आई ई एक्स आई कैप, तो आई डॉट आई बनेगा 1। इसी तरह से यहाँ पर डी अपॉन डी वाई जे कैप ई वाई जे कैप जे डॉट जे बनेगा 1। कई लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पर भी x है, तो यहाँ पर भी x है, सर ने x क्यों नहीं लिया है, तो आई डॉट आई 1, इसलिए मैंने यहाँ ई एक्स लिखा, ये ई वाई हो गया, ये ई जेड हो गया। तो अब सेकेंड कौन सा है, ई वाई। ई वाई में हमारे पास कौन सा आएगा, ये वाला आएगा वाई जेड स्क्वायर। इसका जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा y के रेस्पेक्ट में तो यहाँ बचेगा जेड स्क्वायर। फिर थर्ड कौन सा है हमारा, ez। ez में कौन सा आएगा हमारा, ये वाला। इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, z का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, तो यहाँ बनेगा माइनस वाई स्क्वायर एक्स। क्या बनेगा, माइनस वाई स्क्वायर एक्स, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसके इक्वल हो जाएगा, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें रो की वैल्यू पूछी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 2 माइनस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स और इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास आंसर आ गया जो कि है ऑप्शन ए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसानी के साथ। थोड़ी सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, कई बच्चे ये गड़बड़ कर सकते हैं कि यहाँ पर जब आप डी अपॉन डी एक्स करो तो एक बार इसका डिफरेंशिएशन आप कर दोगे, एक बार इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे, जब आप जेड का के रेस्पेक्ट में करोगे तो एक बार इसका कर दोगे और एक बार इसका कर दोगे, तो ये पूरे पूरे चांसेस हैं कि गड़बड़ हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना कि ये है ई एक्स, ये है ई वाई, और ये है ई। नेक्स्ट क्वेश्चन का लो, सपोज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन सम रीजन इज फाउंड टू बी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें दे रखी है ये वाली, ठीक है, इन स्पेरिकल कोऑर्डिनेट, फाइंड द चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी निकालनी है और कोऑर्डिनेट कौन सा है, स्पेरिकल। तो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट के अंदर डाइवर्जेंस ऑफ ई जो है वो किसके बराबर लिखना है, सबसे पहले तो रो अपॉन एप्सिलॉन। स्पेरिकल कोऑर्डिनेट का मतलब है कि स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में डाइवर्जेंस को कैसे लिखा जाता है, बाकी कंपोनेंट इसमें है नहीं, मैं केवल पहला कंपोनेंट लिख लेता हूँ, 1/r² डेल अपॉन डेल आर आर स्क्वायर, और ये हो गया ER, क्योंकि ER लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा ER, ठीक है। तो मेरे को इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, 1/r² डेल अपॉन डेल आर आर स्क्वायर, ER की वैल्यू कितनी हो गई, KR³। तो यहाँ से जब ये आर क्यूब और आर स्क्वायर बनेगा तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा r⁵। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से रो ओवर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी आएगी, 1/r² और डेल अपॉन डेल आर, ये हो जाएगा के इंटू r⁵। इसको सिंप्लीफाई करोगे 1/r², यहाँ पर बन जाएगा 5
के आर पावर फोर, एक आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रो ओवर एप्सिलॉन नॉट इसके बराबर हो जाएगा 5 के आर स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या बनेगा, रो इक्वल्स टू 5 के एप्सिलॉन नॉट और आर पावर 4, तो ये तो वैल्यू आ गई किसकी, रो की वैल्यू आ गई। अब आपको पूछा है टोटल चार्ज इन स्पेयर, तो टोटल चार्ज इन स्पेयर निकालने के लिए आप क्या करोगे, टोटल चार्ज इन स्पेयर, तो इसके लिए आप यूज करोगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो सिंस जो क्यू है वो बराबर होता है रो इंटू डीवी के, क्यों बराबर होता है रो इंटू डीवी, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट है, तो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट के लिए आप डीवी की जो वैल्यू लिखोगे वो क्या लिखोगे, वो लिखोगे आप आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई और डी आर, ये स्पेरिकल कोऑर्डिनेट के लिए, फॉर स्पेरिकल कोऑर्डिनेट, ये स्पेरिकल कोऑर्डिनेट के लिए वॉल्यूम है। तो रो की वैल्यू आपके पास है, रो की वैल्यू आपने निकाल ली कितनी आई, वो 5 के एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, डीवी की वैल्यू रख दो, तो डीवी की वैल्यू कितनी है आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई और डी आर। अब इसमें से जो कांस्टेंट है उसको बाहर भगाओ, कांस्टेंट कौन कौन सा है, 5 के एप्सिलॉन नॉट, 5 के एप्सिलॉन नॉट बाहर। अब आप डिफरेंशिएशन कर दो, तो आर की पावर 4 का डिफरेंशिएशन होगा डी आर के रेस्पेक्ट में, ठीक है, और ये जो है डी फाई, ये डी फाई का डिफरेंशिएशन अलग हो जाएगा, तो एक हो गया तुम्हारा साइन थीटा डी थीटा, इसका डिफरेंशिएशन अलग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 से आर, ये हो जाएगा 0 से, 0 से कितना 2 पाई हो जाएगा, स्पेयर है तो, और इसका कितना हो जाएगा 0 से पाई बाई 2। इसको जब आप सॉल्व आउट करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और r पावर 5, तो इसको आप सॉल्व कर लेना, बाकी ये सॉल्व किसी तरह से हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम बोला गया, हो सकता है यहाँ पर सिलेंड्रिकल होता तो आपको थोड़ा बहुत जो मैथमेटिकल फिजिक्स है, जो वेक्टर्स वगैरह हम यूज़ करते हैं कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, वो आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे, वो याद होंगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से होंगे, अदरवाइज अटकेंगे। दूसरी चीज़, आपको बेसिक इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का आइडिया होना चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो गया मामला, या आप कोई भी फॉर्मूला भूल गए, साइन थीटा का, कॉस थीटा का, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है या कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो भी आपके क्वेश्चन जो है गलत हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिस क्वेश्चन सेज दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन टू साइड्स ऑफ लार्ज चार्ज प्लेट एज शोन इन फिगर, ये एक प्लेट शो की गई है कि दोनों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड है और दोनों साइड ही अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है। अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होने का मतलब है कि ये प्लेट जो है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी, पर दोनों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता दैट मीन्स कि ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर नहीं लगा है। अभी इसके ऊपर हो सकता है कि यार डेफिनेटली कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रखा हुआ है, तो मैं एक कंडीशन बना लेता हूँ कि कंडीशन है ये, क्योंकि दोनों तरफ जो आउटसाइड द जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अवे फ्रॉम द प्लेट है, दैट मीन्स कि जो प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज होगी, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, और क्योंकि दोनों साइड अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि प्लेट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हुई है। तो इस वाले हिस्से को मैं नाम दे देता हूँ, तो ये वाला जो हिस्सा है ये कौन सा हिस्सा हो गया, ये राइट साइड हो गया, और ये वाली जो साइड है ये कौन सी साइड हो गई, लेफ्ट साइड, ठीक है। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो राइट साइड है उधर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 12 इलेक्ट्रॉन 12 वोल्ट पर मीटर, और जो लेफ्ट साइड है उसमें 8 वोल्ट पर मीटर है, डायरेक्शन का आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है 8 वोल्ट पर मीटर, और यहाँ पर इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है 12 वोल्ट पर मीटर। इन दोनों का यूज करके इक्वेशन बनाओ, तो इन दोनों का यूज करके इक्वेशन बनाओगे तो फॉर राइट साइड के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, ये बनेगी E प्लस E नॉट, तो E प्लस E नॉट इक्वल्स टू 12, और फॉर लेफ्ट साइड के लिए क्या बनेगी, ये बनेगी E तो नेगेटिव में जा रहा है और E नॉट ये पॉजिटिव आ रहा है, तो ये बनेगी E नॉट माइनस E इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 8। इन सबको आप सॉल्व करोगे यहाँ से तो ये E नॉट से E नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा ये E टू E नॉट, ये कितना बचेगा 2E0, और 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, सही चल रहा है ना। यहाँ से सॉल्व करोगे
ई नॉट की वैल्यू कितनी आएगी, 12, नहीं गड़बड़ है, एक मिनट रुको, वो सॉल्व आउट आप करोगे, ई नॉट माइनस ई इक्वल्स टू 8, और इसको आप जोड़ दो ना, इसको ऐड कर दो, को ऐड कर दोगे तो ये बनेगा 2 ई नॉट इक्वल्स टू 20, तो ई नॉट की वैल्यू आ गई कितनी, 10 आ गई, 10 थोड़ी आएगी यार, 12 और 8 20, और जब इसको सॉल्व करोगे आप ई नॉट की वैल्यू यहाँ रखोगे तो फ्रॉम 10 माइनस ई इक्वल्स टू 8, तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 माइनस 8, तो ठीक है, ई की वैल्यू हो गई 10 माइनस 8 इक्वल्स टू 2 वोल्ट पर मीटर। अब ये जो प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्लेट का होगा वो कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू कितनी रखी है 2, तो सिग्मा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 एप्सिलॉन नॉट, तो हमारे पास आंसर आ गया 4 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रखना कि जब प्लेट के दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है, इस तरह के क्वेश्चन आते भी हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी है, उसको सॉल्व करने के लिए फिर आप ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं जो मैंने आपको बताया है। उसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपको क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है प्लेट के दोनों तरफ, उसकी डायरेक्शन क्या है, अगर डायरेक्शन गलत तो आंसर गलत हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन का, दिस क्वेश्चन सेज दैट अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर कैरीज चार्ज सच दैट इट्स वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 2r फ्रॉम द सेंटर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द डिस्टेंस ऑफ r by 2 फ्रॉम द सेंटर। देखो यहाँ पर गाउस लॉ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कहानी ऐसी है, एक स्फीयर है, ये इसका सेंटर, एक बार हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यहाँ पर, 2r डिस्टेंस है सेंटर से, एक बार हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यहाँ पर सेंटर से, इस डिस्टेंस पर r by 2 डिस्टेंस, कैपिटल r by 2 डिस्टेंस। अब यहाँ पर गाउस लॉ के अकॉर्डिंगली जो चार्ज है, चार्ज कहाँ कंसीडर होगा वो आपको ध्यान रखना है, चार्ज क्योंकि जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे तो उस केस में चार्ज कंसीडर होगा केवल यहाँ तक, भाई पूरे गोले का चार्ज थोड़ी आएगा, केवल यहाँ तक कंसीडर होगा। तो जब आप इनसाइड जो स्फीयर के अंदर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो उस केस में चार्ज जो है वो ये केवल ये जो येलो कलर का आपको स्फीयर दिख रहा है इसके अंदर का ही कंसीडर होगा। सबसे पहले तो आपको गिवन है, गिवन क्या है, आपको गिवन है कि रो जो है वो सी आर स्क्वायर के, सी क्या है, कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर दिया है तो मैंने सी ले लिया, क्यू जो है वो क्या होता है, रो डी वी, तो मैं पूरे स्पेयर के लिए एक बार या सिर्फ आर डिस्टेंस के लिए, ये जो आर डिस्टेंस है इसके लिए मैं चार्ज की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ये वेरी कर रही है, तो ये कितना आएगा, रो इंटू डी वी, तो यहाँ से क्या बनेगा, क्यू रो इंटू आर, जीरो टू आर, ये कितना हो जाएगा, सी आर स्क्वायर, और जो स्पेयर है उसके लिए डी वी की वैल्यू कितनी होती है, 4πr² dr, ये वैल्यू होती है, तो ये क्या हो जाएगा, 4πc, रो डी वी होता है, रो की वैल्यू रखती मैंने, 4πc आर पावर 4 और dr, ये वैल्यू हो जाएगी, तो यहाँ से क्यू जो है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 upon 5π और सी आर पावर 5, ये वैल्यू हो जाएगी। अब मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यहाँ पर एक बार तो निकालना है 2r डिस्टेंस पर, एक बार कहाँ पर निकालना है मेरे को, स्मॉल r by 2 डिस्टेंस पर, जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस 2r डिस्टेंस पर निकालूंगा, देखो जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालूंगा, 2r डिस्टेंस पर, r बराबर 2r, तो उसके लिए जो मेरे को चार्ज चाहिएगा, भाई यहाँ निकाल रहा हूँ तो चार्ज कहाँ का कंसिडर होगा, जो स्पेयर का चार्ज, स्पेयर का जो चार्ज है के क्यू वो कहाँ तक कंसिडर होगा, r बराबर कैपिटल R, यानी कि जो स्पेयर की रेडियस है वहाँ तक, अपॉन ये कहाँ क्या आएगा, जो टोटल डिस्टेंस है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 2r, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा k, और ये वैल्यू रखोगे 4 by 5 πc r power 5, और ये कितना हो जाएगा, 4r square, इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। फिर सेकंड जब आप इसके अंदर निकालोगे तो r बराबर r by 2, अब जो चार्ज है इस जो येलो कलर का स्फीयर है इसके अंदर आ जाएगा k q r equals to r by 2,
और जो डिस्टेंस भी है वो भी सेम रहेगी, तो ये कितना रहेगा r बाई टू स्क्वायर। अब क्या होगा k, और ये कितना होगा 4 बाई फाइव पाई c, और ये कितना हो जाएगा r बाई टू पावर 5, और ये कितना हो गया r स्क्वायर बाई 4। ठीक है, अब ये हो गई इक्वेशन सेकेंड, इसमें इसका डिवाइड कर दो तो e r 2r ऑन e r बराबर r बाई टू, यहाँ से आंसर आ जाएगा 2 आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में ध्यान रखने वाली बात क्या थी, पहले मैं आंसर पर टिक लगा देता हूँ। इस क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना था कि कहाँ पर आपको चार्ज कितना लेना है। जब आप बाहर वाले पॉइंट के लिए कंसीडर कर रहे हो, सीधी सी बात है मैं गाउस लॉ का यूज़ कर रहा हूँ, बाहर वाले पॉइंट के लिए चार्ज तो वहाँ तक रहेगा ना जहाँ तक स्पेयर है, डिस्टेंस बदल रही है। जब पॉइंट अंदर आ जाएगा तो उस केस में चार्ज वहाँ तक रहेगा जहाँ तक स्पेयर है, यानी कि स्पेयर सिकुड़ गया, तो उस केस में आपको ये ध्यान रखना है। गड़बड़ यहाँ हो सकती है कि आप चार्ज की वैल्यू दोनों केसेस में सेम ले लो, डिस्टेंस आप चेंज कर दो, तो उस केस में आंसर पूरा क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। चेंज क्यों हो जाएगा कि यहाँ पर भी अगर आप r रखते हो तो ये कटेगा, फिर यहाँ पर नीचे 4r स्क्वायर है और ये 4 है, तो आप आंसर इसका 1 लगा दोगे, तो गड़बड़ हो सकता है, उसका आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, यहाँ पर बोला है एन अनचार्ज कंडक्टिंग लार्ज प्लेट अनचार्ज इज प्लेस्ड एज शोन। नाउ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई टुवर्ड्स राइट इज अप्लाइड। इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर लगाया गया है। फाइंड द इंड्यूस चार्ज डेंसिटी ऑन द राइट सरफेस ऑफ द प्लेट। ये राइट सरफेस है और ये लेफ्ट सरफेस। लेट सपोज यहाँ पर कोई पॉइंट है पी, ठीक है, तो इस पी पॉइंट के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होगा, जीरो होगा। क्यों? क्योंकि क्या है, अनचार्ज प्लेट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, तो ई पी की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। और इस ऐसा करने के लिए यहाँ पर ये देखो, ये मैं वापस बना देता हूँ, ये पी पॉइंट हो गया, यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, यहाँ पर माइनस सिग्मा और यहाँ पर हो गया प्लस सिग्मा। हाँ भाई, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो एक साइड माइनस आएगा प्लेट के, तो एक साइड प्लस आएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्लेट का क्या हो गया, जीरो हो गया। फॉर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्ज इक्वल टू एक्सटर्नल चार्ज। फॉर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज शुड बी इक्वल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि आप लिखोगे सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू ई, तो यहाँ से आपके पास सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट, ये आंसर आप okay? जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, या इस प्लेट पर, यहाँ पर जो इस पूरी प्लेट पर इंड्यूस चार्ज जो होगा इसका ई, वो कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, पर कुल जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इंड्यूस चार्ज की वजह से, वो कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, क्योंकि पी के ऊपर आपको क्या रखना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रखना है, पी के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रखना है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रखना है, तो सिग्मा, अच्छा ये कैसे आया ये मेरे को कमेंट में बताना, ये कैसे मैंने बता दिया यहाँ पे, एक साइड प्लेट के पॉजिटिव एक साइड प्लेट के नेगेटिव, तो पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव की वजह से किस डायरेक्शन में होगा, वैसे करके कुछ मैंने बनाया है, तो ये मेरे को कमेंट में बता देना, ये वाला कैसे मैंने कराया, समझ में आ गया ये नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, तो इसका आंसर होगा एप्सिलॉन नॉट ई, जो कि कौन सा आंसर है, एक बार मैं बता देता हूँ आपको, लिखा है, हाँ ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, फॉर वेरी लार्ज मेटल प्लेट आर गिवन चार्जेस एज शोन, द मिडल टू आर देन कनेक्टेड थ्रू अ वायर, फाइंड द चार्ज दैट विल फ्लो थ्रू द वायर। देखो ये प्लेट वाले क्वेश्चन जो आएंगे, जिसमें ऐसी बहुत सारी प्लेटें हैं, 1, 2, 3 और 4, ये चार प्लेटें आपको दी हैं, एक पर चार्ज है क्यू, 2q-3q 4q, यहाँ क्यू माइनस 2q 3q और 4q, ठीक है, ये माइनस 3q है और वो माइनस 4q है, प्लस है, ये माइनस है और ये माइनस है,
ये वो जो सरफेस होती है ये इनर सरफेस कहलाती है, ये जो सरफेस होती है आउटर सरफेस कहलाती है, ठीक है। तो हर एक प्लेट की एक इनर सरफेस होगी और एक आउटर सरफेस होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले ध्यान रखना जो सबसे अंदर एक तो ये प्लेट और एक ये प्लेट ना, इस मान लो ये प्लेट वन है और ये प्लेट टू है, तो इस प्लेट के यहाँ पर जो चार्ज होगा ये लेफ्ट साइड हो गई, इस प्लेट के यहाँ पर जो चार्ज होगा ये राइट साइड हो गया। तो मान लो ये है क्यू वन, ये है क्यू टू और ये है क्यू थ्री और ये है क्यू फोर। हमेशा ध्यान रखना क्यू वन बराबर क्या होगा, क्यू फोर होगा। तो ये तो दिख रहा है आपको दो प्लेट का सिस्टम। अब यहाँ पर चार प्लेट है, चार प्लेट के सिस्टम में क्या करोगे, ये जितनी भी प्लेटें हैं इनको एक सिस्टम कंसिडर कर लो, ये जितनी भी प्लेटें हैं इनको एक सिस्टम कंसिडर कर लो। कहने का मतलब ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन गया, ये क्यू हो गया और यहाँ पर ये आ गया। तो ये चार्ज कितना हो गया, माइनस चार और माइनस तीन माइनस सात, प्लस दो कितना हो गया, माइनस पाँच, ये हो गया माइनस पाँच। अब क्या करना है, यहाँ वाला और यहाँ वाला चार्ज सेम होगा, तो यहाँ जो चार्ज की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, क्यू प्लस माइनस फाइव क्यू। यहाँ लिख देता हूँ, ये जो क्यू है ये किसके बराबर होगा, यहाँ पर ये वाला चार्ज मैं निकाल रहा हूँ, तो ये किसके बराबर होगा, लेट सपोज ये क्यू वन है, तो ये बराबर हो जाएगा क्यू प्लस माइनस फाइव क्यू अपॉन टू। ये सॉल्व करने पर कितना आएगा, क्यू माइनस फाइव क्यू कितना बचेगा, माइनस फोर क्यू अपॉन टू, ये कितना आएगा माइनस टू। कुल मिलाकर यहाँ पर चार्ज की वैल्यू होगी माइनस टू। अगर यहाँ माइनस टू क्यू है तो सबसे बाहर वाली जो प्लेट है उस पर भी कितना आएगा, माइनस टू क्यू आएगा। तो इसका मतलब ये जो प्लेट है इस पर भी कितना आएगा, माइनस टू क्यू, और ये जो प्लेट है इस पर भी कितना आ गया, माइनस टू। अब यहाँ पर माइनस टू क्यू है और ये क्यू है, तो क्यू बराबर क्या होगा, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर मेरे को क्यू बनाना है टोटल, इधर साइड का और इधर साइड का, इनर सरफेस और आउटर सरफेस दोनों का जो चार्ज है वो कुल चार्ज के समेशन के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ माइनस टू टू क्यू है, तो यहाँ पर कितना करना पड़ेगा, प्लस क्यू लाने के लिए थ्री क्यू, यहाँ पर लिखा मैंने थ्री। जितना चार्ज इस इनर सरफेस पर होगा उतना ही इस पर होगा, पर दोनों का साइन ऑपोजिट होगा, यानी कि यहाँ पर कितना होगा, माइनस थ्री, माइनस थ्री क्यू यहाँ पर, और यहाँ पर मेरे को लाना है कुल में टू क्यू। तो वो कैसे आ सकता है, जब मैं इसको फाइव क्यू दूँ तो यहाँ पर जो चार्ज हो जाएगा वो प्लस फाइव क्यू हो जाएगा, यहाँ पर फाइव क्यू है तो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस फाइव क्यू, माइनस फाइव क्यू है और यहाँ पर माइनस थ्री क्यू है, तो यहाँ माइनस थ्री क्यू बनाने के लिए मेरे को इसको कितना देना पड़ेगा, प्लस टू क्यू, ये प्लस टू क्यू है तो ये कितना हो जाएगा, माइनस टू, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हो गया, ये हो गया माइनस टू क्यू, ये हो गया थ्री क्यू, ये हो गया माइनस थ्री क्यू, ये हो गया फाइव क्यू, ये हो गया माइनस फाइव क्यू, ये हो गया प्लस टू क्यू, ये हो गया माइनस टू क्यू और ये हो गया माइनस टू। इन दोनों को कनेक्ट किया है, ये है ए और ये है बी। चार्ज का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होगा, ए से बी, तो ए पर चार्ज कितना है, फाइव क्यू, और बी पर जा रहा है कितना, फाइव क्यू। कुल कितना चार्ज ट्रांसफर होगा ए से बी में, पाँच क्यू चार्ज ट्रांसफर होगा, जो कि ऑप्शन है कौन सा, ए। चार्ज जो ट्रांसफर होगा वो फाइव क्यू चार्ज ट्रांसफर होगा, कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इस क्वेश्चन में बोला है दो टू लार्ज प्लेट्स आर गिवन द चार्ज एज शोन इन फिगर, नाउ द लेफ्ट प्लेट इज अर्थ, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट विल फ्लो फ्रॉम द अर्थ टू द प्लेट। देखो भाई ये भी ठीक वैसा ही क्वेश्चन है जो पहले किया था। ये इनिशियल कंडीशन हमें दी हुई है, यहाँ पर 10 म्यू सी है और यहाँ पर 4 म्यू सी। अब इसकी अर्थिंग कर दी है ना, इसकी कर दी अर्थिंग। अर्थिंग करने के बाद मैंने कहा जो जितना चार्ज यहाँ पर होगा उतना ही चार्ज इसकी आउटर सरफेस पर होगा, तो यहाँ पर अर्थिंग कर दी तो यहाँ पर चार्ज आ गया जीरो। इसका मतलब है यहाँ पर भी चार्ज होगा जीरो, पर मैंने फिर ये भी कहा है कि कुल चार्ज जो है वो प्लेट पर चार्ज के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो कुल चार्ज है वो फोर है, तो इसका मतलब अंदर ये फोर है, तो यहाँ अंदर भी चार्ज कितना होगा, फोर होगा। और फिर यहाँ जितना चार्ज होगा उसके अपोजिट में यहाँ पर चार्ज होगा, तो यहाँ कितना चार्ज आ गया, माइनस फोर। यानी कि ये जो सरफेस है उस पर फाइनल चार्ज कितना आ गया, माइनस फोर, यहाँ पर इस प्लेट पर, लेफ्ट प्लेट पर। और इसका जो इनिशियल चार्ज था, इनिशियल चार्ज वो कितना था, 10, इनिशियल 10 था और फाइनल कितना आ गया, 4। तो चार्ज का जो ट्रांसफर हुआ, चार्ज ट्रांसफर वो कितना हुआ, q फाइनल माइनस q इनिशियल। फाइनल चार्ज कितना है, माइनस 4,
इनिशियल चार्ज कितना था -10, तो टोटल कितना हो गया -14। हमारे पास जो करेक्ट आंसर आएगा इसका वो कितना आएगा -14, दैट विल बी आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अच्छा ये भी क्वेश्चन वैसा ही है जैसा मैं करा चुका हूँ, फिर भी मैं करा देता हूँ। क्वेश्चन में बोला है द शीट एक्सपीरियंस अ नेट इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स भी दिया है शीट का। फाइंड द एरिया ऑफ वन फेस ऑफ द शीट अज्यूमिंग द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन कॉन्स्टेंट आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग लार्ज शीट। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग हैं और इनकी डायरेक्शन क्या है। देखो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो ई वन जो है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी ई नॉट माइनस ई पी, और ई टू माइनस ई टू की वैल्यू हो जाएगी ई नॉट प्लस ई पी। ये मैंने कैसे कर दिया, ये आपको प्लेट दी हुई है और डायग्राम बनाओ ई टू ई वन। तो ये इधर जा रहा है ई वन और इधर आ रहा है ई टू। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये नेट इलेक्ट्रिक जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है सॉरी ये है, और इंड्यूस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है सिग्मा ओवर टू एप्सिलॉन नॉट। तो ये मान लो पॉइंट पी है, यहाँ पर ये पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट पी के लिए ई वन की जो वैल्यू है, ई वन कौन सा हो गया ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, तो ये कितना हो जाएगा इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ई पी वो इधर जाएगा और यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इधर जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ई पी और ये भी हो गया ई पी। ई पी की वैल्यू कितनी हो गई सिग्मा ओवर टू एप्सिलॉन नॉट, जो प्लेट पर चार्ज है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू। मैंने अवे फ्रॉम द चार्ज क्यों रखा है, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट अगर है तो अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज इसकी डायरेक्शन होगी। तो अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ई वन पर, तो वो किसके बराबर होगा ई वन, ये ई नॉट में से माइनस हो जाएगा ई पी। इसी तरह से जब आप यहाँ निकालोगे E2 तो इसके लिए क्या होगा EP और E0 दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, परंतु EP की डायरेक्शन E2 की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको क्या लिख दिया मैंने माइनस माइनस E2 किसके बराबर हो गया E0 प्लस EP। दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से E0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी E1 माइनस E2 अपॉन 2 और जिसकी वैल्यू हो जाएगी 10 पावर 5। इसी तरह से EP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, EP की वैल्यू हो जाएगी यहाँ सॉल्व करने के बाद -4 × 10 पावर 5 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, अब ई पी जो आपको गिवन है ई पी गिवन है आपको सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट और ये वैल्यू आपने निकाली है, कितनी निकाली है आपने ये वैल्यू -4 × 10 पावर 5। तो यहाँ से सिग्मा की वैल्यू कितनी आ गई 4 × 2 8 -8 εo × 10 × पावर 5। फोर्स जो होता है फोर्स किसके बराबर होता है q into e naught एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है क्योंकि, और q बराबर होता है सिग्मा a। तो फोर्स की वैल्यू आपको दी हुई है, मैं लिख देता हूं पहले सिग्मा a और ये हो गया e naught। फोर्स की वैल्यू आपको दी है 0.08। सिग्मा की वैल्यू आपने निकाल ली, कितनी निकाल ली -8 εo × 10 पावर 5। आपको एरिया निकालना है और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है एक्सटर्नल कितना है 10 पावर 5 है, आपने निकाला भी यहाँ। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से ए की जो वैल्यू आएगी सॉल्व करने के बाद ये आएगी 33.65 × 10 पावर माइनस क्या ऑप्शन है 10 पावर 2, ये ऑप्शन आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद। तो ये एक्सटर्नल और जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा उस टाइम क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे इस चीज़ को बड़ा ध्यान रखना, ये तो क्वेश्चन गड़बड़ होंगे पूरे कटेंगे क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। यहाँ इस क्वेश्चन में हमें दिया है मिडिल सरफेस इज न्यूट्रल, फाइंड द चार्ज अपियरिंग ऑन आउटर सरफेस ऑफ द राइट मोस्ट प्लेट। ये वाली सरफेस न्यूट्रल है, यहाँ चार्ज क्यू दिया हुआ है, यहाँ चार्ज -2 क्यू दिया हुआ है। तो कैसे करोगे कि ये जो प्लेट है इस पर चार्ज है क्यू, ये जो प्लेट है ये न्यूट्रल है और ये जो प्लेट है ये है -2 क्यू। राइट मोस्ट सरफेस को देना है, तो लेट सपोज कि इसको आपने चार्ज दे दिया है क्यू। ठीक है, इस प्लेट को आपने चार्ज दे दिया कितना क्यू, इस प्लेट को आपने चार्ज दे दिया है क्यू, इस वाली प्लेट को। तो यहाँ पे पॉइंट मान लो आप कोई
पी पॉइंट मान लो, ठीक है, कौन सा पॉइंट मान लो पी। तो यहाँ अगर आपने चार्ज दिया है क्यू, कंसिडर कर लो यहाँ पर चार्ज कितना दिया है क्यू, तो यहाँ पर कितना हो गया माइनस टू क्यू प्लस क्यू, ठीक है, माइनस टू क्यू प्लस क्यू। अब यहाँ पर आपको चार्ज कितना करना है माइनस टू क्यू, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ आपको करना पड़ेगा कौन सा माइनस का क्यू ना, तो यहाँ पर माइनस टू क्यू प्लस क्यू और माइनस क्यू, जब भी तो यहाँ माइनस टू क्यू बनेगा, तो यहाँ पर चार्ज कितना हो गया माइनस क्यू, यहाँ माइनस क्यू है तो यहाँ कितना आ गया प्लस क्यू, यहाँ प्लस क्यू है तो यहाँ कितना आ जाएगा माइनस क्यू, क्यों यहाँ तो जीरो है न्यूट्रल है, फिर यहाँ माइनस क्यू है तो यहाँ कितना आएगा प्लस क्यू, और यहाँ प्लस क्यू है तो यहाँ कितना आएगा क्यू माइनस क्यू। ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया इस तरह से। अब ये पॉइंट है पी, ठीक है, ये पॉइंट है पी, इस पी पॉइंट के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड करना है जीरो, पी पॉइंट के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड करना है जीरो। तो क्या क्या डायरेक्शन रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले ये चार्ज जो है क्यू माइनस क्यू, इसकी वजह से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेता हूँ कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा किधर, राइट साइड में, तो क्यू वाली जो है इसकी वजह से आएगा लेफ्ट साइड में, अवे फ्रॉम द चार्ज आएगा, दोनों साइड पॉजिटिव हो गए तो जो अवे फ्रॉम द पॉइंट रहेगा चार्ज। तो इसको मैं वन बोल दूँ, इसको मैं टू बोल दूँ, इसको मैं थ्री बोल दूँ, इसको फोर बोल दूँ, इसको फाइव बोल दूँ और इसको सिक्स बोल दूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई वन ये कितना हो जाएगा क्यू माइनस क्यू, ठीक है, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट होता है तो टू एप्सिलॉन नॉट, और इसकी डायरेक्शन रहेगी राइट साइड। इसी तरह से आप ई टू निकालोगे तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट और इसकी डायरेक्शन रहेगी लेफ्ट साइड। फिर आप क्या निकालोगे, फिर निकालोगे क्यू थ्री, है ना, क्यू थ्री की वजह से पी पॉइंट पर चार्ज चाहिए, अब क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव क्या करेगा अपनी तरफ लाएगा, तो इसकी डायरेक्शन रहेगी टुवर्ड्स राइट, तो ई थ्री क्या रहेगा क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट। फिर किस पॉइंट के देखना है आपको, फिर देखना है क्यू की वजह से, ये क्यू की वजह से किधर जाएगा अवे फ्रॉम द पॉइंट, अवे फ्रॉम द पॉइंट का मतलब है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हुआ लेफ्ट में, तो ई फोर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा लेफ्ट में। फिर आपको निकालना है ई फाइव, ई फाइव आप कैसे निकालोगे, ये वाला भी किधर लेगा अपनी तरफ लेगा यानी कि राइट साइड में, यहाँ इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो सबको, तो कितना होगा लेफ्ट साइड, ये राइट साइड में, तो ई फाइव की वैल्यू कितनी हो जाएगी क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट और ये राइट साइड हो गया। फिर निकालोगे ई सिक्स, तो ई सिक्स कितना आएगा, ये अवे फ्रॉम द पॉइंट जाएगा यानी कि यहाँ पर, तो ये कितना आएगा माइनस टू क्यू, माइनस टू क्यू प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट टू एप्सिलॉन नॉट और ये जाएगा राइट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी कितना रहेगा जीरो। देखो डायरेक्शन अगर राइट साइड डायरेक्शन पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड नेगेटिव हो गई, ये बनेगा q अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस हो जाएगा माइनस q अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ये प्लस हो जाएगा q अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस हो जाएगा q अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ये प्लस हो जाएगा q अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट और ये माइनस रहेगा माइनस टू क्यू प्लस क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो ये सब तो कट जाएंगे, बचेगा क्या आपके पास, ये टू एप्सिलॉन नॉट भी जीरो हो जाएगा, तो बचेगा आपके पास ये क्यू माइनस टू क्यू प्लस क्यू इक्वल्स टू जीरो। ये क्या होना क्यू माइनस माइनस हो गया प्लस टू क्यू और ये माइनस क्यू इक्वल्स टू जीरो, ये हो गया थ्री क्यू इक्वल्स टू टू क्यू, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई थ्री क्यू अपॉन टू। अब आपको राइट मोस्ट सरफेस पे पूछा है, तो राइट मोस्ट सरफेस पर जो चार्ज हो गया वो कितना हो गया, वो हो गया 2q plus q माइनस 2q प्लस q कितना है 3q अपॉन 2 ना। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा माइनस q बाई 2, आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा माइनस q बाई 2। आप जब इस क्वेश्चन को ध्यान रखोगे करोगे तो ये ध्यान रखना कि मैं सारा जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ इस पॉइंट के अबाउट कर रहा हूँ, इस पॉइंट के अबाउट, यहाँ पर लिया मैंने पॉइंट, पहले मैंने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया इस राइट मोस्ट सरफेस को, चार्ज दे दिया मैंने q, उसके हिसाब से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो मैंने इस प्लेट की वजह से जब निकाला तो दोनों साइड मेरे को पॉजिटिव दिख रहा है, इसमें क्या होगा अवे फ्रॉम द पॉइंट, यहाँ पर नेगेटिव है तो नेगेटिव इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में देखूँ तो अगर ये पॉजिटिव होता तो चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती वो ऐसे होती है, पर ये नेगेटिव है तो ये अपनी तरफ खींचेगा, फिर ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इधर देख रहा है तो ये अवे फ्रॉम द पॉइंट होगा, फिर ये नेगेटिव चार्ज है ये इधर लाएगा इसको, फिर ये माइनस टू क्यू प्लस क्यू, ये कंबाइंडली वैल्यू इसकी पॉजिटिव मान ली मैंने, तो ये भी किधर ले जाएगा इधर ले जाएगा, ऐसे करके मैंने कैलकुलेशन की।
ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे, इस तरह के प्लेट वाले क्वेश्चंस कई बार काफ़ी ज़्यादा पूछने को देखने को मिलते हैं किसी भी जैम एमएससी एंट्रेंस एग्जाम के लिए या जैम के एग्जाम के लिए। इसके बाद जैसा कि मैंने कहा करीबन 2 से 3 लेक्चर और मैं करूँगा गाउस लॉ के ऊपर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर, जिसमें हम वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। लाइक अभी मैंने आपको जो वो कैविटी वाले क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं कराया है, इसके अलावा जो गाउस लॉ के ऊपर क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं कराया है, तो वो हम अगले 2-3 लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत सही हो जाएगी अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो जिन भी लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पॉसिबल हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। और जो लोग मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो ये ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।